और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां मोस्ट वांटेड क्रिमिनल छोटू कुजूर के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही थी। हेहल स्थित जतरा मैदान के पास से छोटू का घर है और डब्लू कुजूर का भाई है छोटू कुजूर। हम आपको बता दें कि कमल भूषण केस का मास्टरमाइंड डब्लू का भाई है छोटू और कई मामलों में वॉन्टेड है छोटू कुजूर। उग्रवादी संगठन से संलिप्तता की भी बात सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से छोटू कुजूर के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही थी, उसके बाद यह बात निकल के सामने आ रही है कि सरेंडर की बात की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अभिषेक सिन्हा जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या है पूरी जानकारी? तान्या, लाइव 7 ने सबसे पहले यह खबर ब्रेक की है कि छोटू कुजूर के घर पर पुलिस की टीम ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची और कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। और इसके बाद जब यह जानकारी खबरों के माध्यम से छोटू कुजूर तक पहुंची, तो अभी तुरंत ऐसी सूचना मिली है कि छोटू कुजूर ने पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के साथ संपर्क किया है और कुर्की की कार्रवाई को रोकने के लिए आग्रह किया, साथ ही सरेंडर कर रहा है। मैं फिर से बता दूं तान्या कि छोटू कुजूर रांची पुलिस के समक्ष सरेंडर करने जा रहा है। थोड़ी ही देर में उसके सरेंडर की खबरें सार्वजनिक कर दी जाएंगी, उसका सरेंडर उसके लिए प्रेस ब्रीफिंग कर दी जाएगी। लेकिन लाइव 7 इसको फिर से ब्रेक कर रहा है कि छोटू कुजूर थोड़ी ही देर में रांची पुलिस के समक्ष सरेंडर करेगा। ये जानकारी बिल्कुल सटीक है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी किसी भी अधिकारी ने नहीं की है। लेकिन ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि रांची पुलिस के पदाधिकारी लगातार छोटू के संपर्क में है और छोटू के को लेने के लिए पुलिस की एक टीम भी निकल चुकी है। तान्या, अगर हम बात करें अभिषेक उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की, तो इसमें साफ तौर पर सामने आ रहा है कि कमल भूषण केस का भी मास्टरमाइंड है ये, तो क्या कुछ और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रह चुके हैं इनके नाम पर? नहीं तान्या, थोड़ा सा आप अपना फैक्ट चेक करें। कमल भूषण केस का मास्टरमाइंड डब्लू कुजूर, इसका बड़ा भाई था डब्लू कुजूर और इसका भतीजा राहुल कुजूर जो कि डब्लू कुजूर का बेटा है, उनके द्वारा कमल भूषण की हत्या की गई थी। लेकिन हत्या के बाद छोटू ने फोन पर यह सार्वजनिक कर दिया था, वायरल एक ऑडियो हुआ था जिसमें छोटू ने कहा था कि हत्या उसने की है। लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज से यह साफ हो गया था कि हत्या राहुल कुजूर ने की है। जहां तक बात करें छोटू कुजूर के क्राइम रिकॉर्ड की, तो इसके ऊपर कई पुराने मामले दर्ज है। अब पुलिस उन सब मामलों की जांच करेगी, उन इसका पूरा क्राइम रिकॉर्ड इसका निकालेगी कि आखिर किन के कौन कौन से मामले और उसके ऊपर लंबित है। तान्या जी बिल्कुल, धन्यवाद अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है कि छोटू कुजूर सरेंडर की बात कर रहा है, उसने पुलिस से संपर्क किया है। और हम आपको आगे बता दें कि कमल भूषण केस के मास्टरमाइंड डब्लू कुजूर का भाई है छोटू कुजूर। इसी तरह से लाइव 7 इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखेगी और कब सरेंडर करते हैं छोटू कुजूर, ये भी देखने की बात रहेगी।